मैं ऐसा अध्यापक ढूंढता हूं, मैं ऐसा नेता ढूंढता हूं जो मुसलमान की गलती पर मुसलमान को पूरे हक से डांट सके और हिंदू की गलती पर हिंदू को पूरे हक से डांट सके। मुझे ऐसा आदमी नहीं मिलता मुल्क में। मुझे जो मिलता है वो आधा मिलता है, और आधे वालों से क्या बात करें। आधे वाले पूरा हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं क्या? वो आदमी लाओ जो ये कह सके, कान पकड़ सके कि ये पेट्रोल पंप कैसे आया तुम्हारे घर? दिमाग खराब है? कहां से आया? कोई है माई का लाल? कोई है देश में? गोल गोल बातें घुमा रहे हो, जलेबी बना रहे हो सब लोग। जहांगीरपुरी में तमंचा चल रहा है हवा में, सड़क पर सटा सट। वो गंगा और जमुना निकल रही थी उससे, ये पूछने का साहस नहीं होना चाहिए क्या? ये गोल गोल बातों से देश का बहुत नुकसान हुआ मेरे भाई। गोल गोल बातें बंद कर दो सब लोग, सीधी बात करो ना देश के कानून की। इसमें क्या तकलीफ है किसी को? मैं तो कहने लगा भाई ये दबके रहे या ऊपर रहे ना, बराबर पर रहो, लेकिन छूट किसी को नहीं, ना मेजॉरिटी के नाते हिंदुओं को छूट मिलेगी अपराध करने पर, ना माइनॉरिटी के नाते मुसलमानों को कोई कवच मिलना चाहिए। नो, नॉट एट ऑल, नो, कतई नहीं। कानून के तराजू पर सीधा तौला जाना चाहिए आदमी, ठीक। फरद अली खान साहब, मैं ये समझ नहीं पा रहा, हिंदुस्तान में लोग कहते ऐसा है जी, वैसा है जी, फलाने नेता का नाम, ढिकाने नेता का नाम, फलाने धर्माचार्य का नाम, फलाने मौलाना का नाम। मैं एक ही बात पूछता हूँ, मुझे वो आदमी ले आओ क्या जिसने चौराहे पर खड़े होकर पूरे अथॉरिटी से, पूरे साहस के साथ, पूरी खुददारी के साथ मुसलमान की गलती पर मुसलमान को डांटा हो और हिंदू की गलती पर हिंदू को डांटा हो। जब तक वो आदमी नहीं, तब तक तो फिर ड्रामा ही हो रहा है। जी बिल्कुल। फरत अली खान साहब जी, पहले तो जो मेरी बहन कंचन बैठी है, मैं जो अभी अभी हमारे वक्ता बोल रहे थे उनकी तरफ से तो नहीं, लेकिन पूरे देश के मुसलमान जो देख रहे हैं और जो उन्होंने शर्म आने वाली बात की उससे मैं माफी मांगता हूं आपसे, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाओं का बहुत सम्मान होता है अपने घर में। रहती है बात योगी आदित्यनाथ जी की और मोदी जी की, तो एक छोटा सा बहुत शेर है जो आप कहना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम गुलिस्ता हमारा ये सब कुछ, क्या आईना सामने आएगा तो सच बोलेगा? आईना सामने आएगा तो सच बोलेगा। आप चेहरे जो हैं वो लाख बदलते रहिए, आप कोई किसी को डांटे या नहीं डांटे, कानून का डंडा सामने आ चुका है, कानून सबको एकजुट और एकता के प्रतीक में पिरोने के लिए सामने आ चुका है। दूसरी बात सबसे, क्या आपने कहा कोई बड़ा नहीं है? मेरी उम्र हो गई लगभग 53 साल की, तो मैंने ये देखा था कि कहीं हिंदू या मुसलमान दंगे होते थे तो हमारी सरकारों में मंत्री हुआ करते थे जिन्हें हम रखते सिर्फ इसलिए थे कि जहां पर भी कोई पीड़ित हो या किसी ने जुल्म किया हो वहां जाएं और उन लोगों को समझाएं। समाज, कानून, प्रशासन सबको समझा सकता है, लेकिन अगर कानून के वजीर, अगर मुसलमानों का वक्त जो आप बात कर रहे हैं, अरे निकल पड़ो अब अपनी खानकाहों से, निकल पड़ो अब तमाम नदवों से, देवबंद से, कि इस वक्त में देश को देश बनाना है, क्योंकि पड़ोसी देश श्रीलंका के भी हालात देखना पड़ेंगे, श्रीलंका के भी हालात देखना पड़ेंगे, तिराई तिराई मच गई है। अगर हम इन धार्मिक उन्मादों में उलझ जाएंगे तो हमारा देश कहाँ जाएगा? आओ देश को देश बनाओ, 75 साल वाला देश को छोड़ दो। ये मैं पूरे अपने देशवासियों को अपील करता हूँ, और जहां पर भी मेरी जरूरत पड़े आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ अग्निहोत्री जी, आपके लिए सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, कहीं मेरी जरूरत पड़े तो मैं, अगर कोई मुसलमान ने वहां गोली चलाई हो, मैंने किसी को देखा है, मैं उसके खिलाफ दवाई देने को तैयार हूँ। भाई होना चाहिए जो हमारे कानून के ऊपर गोली चलाए, ये एक देश का मुसलमान होता है। जो मस्जिद के बाद भगवा झंडा लगाए, जो मस्जिद पर पथराव करे, जो मस्जिद के बाहर भड़काऊ नारे लगाए, भड़काऊ डीजे बजाए, उसको जेल में डालो। अच्छा जो भैया नदवी साहब, मैंने एक बात पूछी थी सवाल, बाद में फिर आप उनका जवाब दीजिएगा, वो सवाल था बड़ा बुनियादी है जी, और थोड़ा करवा, लेकिन है बुनियादी सवाल, उसके बिना बात आगे बढ़ती नहीं। मस्जिद में
है, खाने पीने का सामान रहे, पहनने ओढ़ने का सामान रहे, बजू का सामान रहे, समझ आती बात? ठीक, वहां से वो सामान कैसे इस्तेमाल योग्य तत्काल रेडी टू यूज रहता है? ये सवाल तो उठेगा ना, नहीं उठेगा? कौन सा? अरे वो ही लोग आए थे जिन्होंने भड़काऊ नारे लगाए थे, पहले उन्होंने पत्थर बरसाए। अरे जो पत्थर आए थे वही पत्थर बाहर निकाल के फेंके, आपने भी कब उनको भारी निकालने का समय आ गया है? गजब है, गजब करते हो यार। मैं कुछ खैर भी लेकर आए थे। अच्छा अच्छा एक बात बताओ, क्या जरूरत थी पहली बार रामनवमी का जुलूस निकला है? जरूरत क्या थी मस्जिद के बाहर ले जाके डीजे बजाने की? अरे हिंदुस्तान जहाँ से हमारा हिंदू धर्म के मानने वाले अपना जुलूस निकालना चाहते हैं, वो शांतिपूर्ण तरीके से निकाले, आप उनको उकसाएंगे नहीं? अच्छा मजे की बात ये देखिए, रविंद्र पटेल मेरे लिए मालूम गुस्से और दुख दोनों का मिश्रित कारण क्या होता है, जब हिंसा की ऐसी कोई विभत्स खबर आती है क्या, तो जो जो लोग या जिनके जैसे लोग उसके प्रतिनिधि हैं, उन झगड़ों में शामिल हैं, मतलब यूनाइट उसमें शामिल हैं, जिनकी उसमें हिस्सेदारी है, वो लोग ऐसे मुस्कुराते हैं कि वाह गुरु देखा कर दिया फतेह। क्या इस मुल्क का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है क्या? और उसके बाद दुर्भाग्य है, उसके बाद दुर्भाग्य है नेताओं का, क्योंकि नेता हो गए बिल्कुल क्या, जिधर देखी भरी परात उधर गई सारी रात। क्या बोले यार, कौन चक्कर में पड़े, बोर्ड खराब हो जाएगा, हमको शामली से लड़ना चुनाव, अग्नोत्री जी बता रहे ऐसा बोलो है, बोले हम काहे लफड़े में पड़े, शामली चुनाव नहीं लड़ना हमको है बुढ़ाना से। सच्ची बात यही देखो दोस्त, हम भी जानते हैं आप भी जानते हो, है ना? तो सच कौन कहेगा? किसे सामने से लड़ना, किसी को खतौली से लड़ना, किसी को फरुखाबाद से, किसी को इटावा से? आज कुछ ज्यादा भावुक है आप, आज कुछ ज्यादा भावुक है सर आप। मैं कह रहा हूँ कि सच कौन कहेगा, मैं कह रहा हूँ सर, मैं आपके उत्तर दो तीन देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कानून वाली बात पे उत्तर देना चाहता हूँ, जो आपने एफिडेविट की बात की थी, मैं उस समय उंगली उठाया, आपने मना किया। सबसे पहले 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार थी, और मायावती जी ने भी कुछ इसी तरीके से एफिडेविट भरवाने का काम किया था हम जैसे राजनीतिक लोगों से, और वो सत्ताहीन हुई। सर देखिए, मैं आप दूसरा उत्तर दे रहा हूँ, जख्म है, जख्म दिए गए हैं, किसने दिया, उपद्रवियों ने दिया, हिंदुओं ने दिया, मुसलमानों ने दिया, विषय वो नहीं है। शरीर का जब कोई अंग सड़ने लगता है तो उसका इलाज किया जाता है, उसे काट के फेंक नहीं दिया जाता है। कानून बनाइए, हम कानून का स्वागत करते हैं, खुले कंठ स्वागत करते हैं। एक मिनट कंचन जी, रुकिए 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 कंचन जी, रखिए जी। कानून बनाइए, कानून का स्वागत है, लेकिन इतनी पारखी नजर आपकी होनी चाहिए। अमिताभ सर देखिए ना, आपके जैसे कितने पत्रकार हैं, कल से कानून बना है और डिबेट का विषय वस्तु आज आपने चुना, इसके अलावा किसी चैनल ने चुना क्या? तो आप जागरूक हैं, आप अवेयर हैं, मैं हूं, हम जैसे लोग हैं जो घंटे घंटे बैठ के डिबेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनको जो आपने कहा, मैंने भी टीवी देखा था, और जो जब जब उसको एसआईटी के लोग पकड़ के जा रहे थे तो वो एक लड़का मुस्लिम था, वो ऐसे कर रहा था, वो ऐसे कर रहा था, उस पराज का स्टाइल मार रहा था, मैंने भी देखा, मैं भी हिंदू हूं, मेरा भी खून खौला कि तुम तो कल्पित हो, तुम पकड़े गए हो और तुम स्टाइल मार रहे हो फिल्मी स्टाइल कि मैं झुकूंगा नहीं, पुष्पा नाम है मेरा। अरे सर झुकना पड़ेगा, हम झुकने को तैयार है, अगर मुस्लिम भाइयों के ऊपर अत्याचार होगा तो हम झुकने को तैयार है, क्योंकि हमारा देश हिंदू मुस्लिम एकता का, हमारा संविधान जो कहता है हम उसे मानेंगे। सर लेकिन तकलीफ इस बात की है कि कट्टरता दोनों तरफ से परोसे जा रहे हैं और दोनों की गोटियां लाल हो रही हैं, क्या मजा आता है लड़ने झगड़ने में। आज मैं आपकी बातों को पकड़ रहा हूं, बहुत भावुक है आप, हमें भी दुख है, लेकिन इसका इलाज अलग अलग होने से नहीं है, इसका इलाज साथ चलकर है, मिलकर के साथ रहने से। ठीक, मैं एक बड़ा बेसिक, मैं तो बेसिक से सीखता हूँ, किताब नहीं पढ़ता, मैं जिंदगी पढ़ता हूँ, है ना? पूरा देश कम से कम पांव से घूमा, जहाज से नहीं, पांव पांव घूमा 6 बार। ठीक, इसलिए मैं जानता हूँ भारत का समाज कैसे सोचता है। एक बेसिक उदाहरण दे देता हूँ ताकि बहस ही खत्म हो जाएगी, कि जो लोग बार बार ये करे कि नहीं एक रखो एक ही साथ,
स्कूल में जब झगड़ा हो जाता है दो बच्चों में, एक दिन तो दोनों को डांट दिया, दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, जब वो इम्यून हो जाते हैं, हैबिचुअल फाइटर हो जाते हैं दो बच्चे, तो समझदार टीचर कहता है भाई तू इधर बैठ, तू उधर वाली रो में आखिरी में बैठ और मेरी निगाह के सामने रही हो सीधे बिल्कुल ठीक। आपका चाल चलन इस लायक नहीं कि संगम बना दें हम। हम संगम नहीं बनाएंगे, हम गंगा को अलग पूजेंगे, यमुना को अलग पूजेंगे, आपके लिए नाश्ता पानी अलग आएगा, उनके लिए अलग आएगा, ड्रामा नहीं सहेंगे। मेरी आपत्ति इसमें क्या, गलत बोल रहा हूँ कुछ, गैर लोकतांत्रिक हो गया क्या, ड्रामा नहीं चलेगा किसी का। ड्रामा करोगे तो सोंठा खाओगे।